हाय गाइस, मेरा आज ये थोड़ा मन कर रहा था कि क्यों ना एक रेणुका का फ़ोन चुरा लिया जाए थोड़ी देर के लिए। तो मैं अपने स्टडी में आ गया हूँ, स्टडी रूम है मेरा और मेरा ऑफिस है, आप देख सकते हो, दिस इज़ माय ऑफिस एंड स्टडी रूम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ मैं यहाँ बैठ गया हूँ, रेणुका का फ़ोन चुरा के ले आया हूँ और मैंने एक पुराना गाना जो मेरा फेवरेट है उसको थोड़ा सा अभी सुन रहा था। तो मेरा मन किया कि क्यों ना अपनी एक पुरानी छुपी हुई जो एक हॉबी हॉबी नहीं एक शौक था गाना गाने का बचपन में। तो बचपन में शौक क्या था कि जब मैं फिफ्थ तक आई थिंक लखनऊ में था तो वहाँ पे कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ मेरे फर्स्ट मेरे स्कूल में बहुत था और मेरी प्रिंसिपल मैडम, और फर्स्ट से मैं फिफ्थ तक लखनऊ में था, स्प्रिंगडेल कॉलेज LDA कॉलोनी में है। तो वहाँ पे इट वॉज वेरी नाइस स्कूल एट दैट टाइम एंड इट वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कूल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। सो उस समय का एक प्रोमिनेंट था, मेरे फादर ने ही मेड श्योर दैट मैं उसी स्कूल में पढ़ूँ, क्योंकि उस स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था और मेरा एडमिशन लकीली किसी तरीके से बहुत मुश्किल से उन्होंने करवाया था उसमें। तो उसमें लॉट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ थी और बहुत सारा उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ था। तो मेरा रुझान जो था और मेरा जो मन था हमेशा म्यूज़िक क्लास में लगता था, वो बेसमेंट में था हमारा म्यूज़िक क्लास, और हमारी प्रिंसिपल मैडम और हमारे म्यूज़िक टीचर, प्रिंसिपल मैडम तबला बजाती थी और म्यूज़िक टीचर मेरी जो थी वो गाना बच्चों को सिखाती थी और वो भी गाते थे, और फिर वो असेंबली में एवरी डे सुबह रिहर्स किया जाता था। तो रिहर्सल्स के दौरान जो रिहर्सल्स होते थे तो उसमें कुछ बच्चों को पिक किया गया था, आई थिंक 25 स्टूडेंट्स, उसमें से वन ऑफ देम वाज मी एंड मैं भी था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था गाना उस वक्त, और मेरी थोड़ी आईज में प्रॉब्लम हो गया है तो वॉटरी हो रही है बार बार, सो डोंट माइंड। तो ये सब चलता था और मेरे को याद है एक गाना था बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सी वंदना थी, प्रेयर थी। तो वो उसके बोल थी, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसके बादलों की पालकी उठा रहा पवन। तो फर्स्ट से फिफ्थ तक वो प्रेयर हमारे यहाँ स्प्रिंगडेल में अभी भी स्कूल है, वो सेक्टर डी में LDA कॉलोनी में। मैं अभी भी जब जाता हूँ तो वहाँ से एक बार गुजरता हूँ जस्ट टू रिफ्रेश माई मेमोरीज, इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्कूल। तो वहाँ पर फिफ्थ तक मैंने ये प्रेयर गाई और मुझे बड़ी पसंद थी, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। और दूसरी थी एक और प्रेयर थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। तो ये उनके बोल हैं दोनों वंदनाओं के, जहाँ से हमारा म्यूज़िक में वो जो यू नो मज़ा आता था कि उसमें रिकग्नाइज किया जाता था टैलेंट कि बच्चा गा सकता है, और बच्चे को शौक है तो बुलाया जाता था और गवाया जाता था। तो वो चीज़ें बढ़िया, मैं क्राफ्ट में भी बहुत अच्छा था, आई यूज़ टू डू लॉट ऑफ क्राफ्ट एक्टिविटीज़, आई गॉट मैनी मैनी यू नो वन ऑफ आई मेड ग्लोब वन टाइम इन स्कूल डेज, सो आई गॉट ट्रॉफी फॉर दैट इन स्प्रिंगडेल ओनली। सो काफ़ी करते थे हम लोग। तो बस ये था कि थोड़ा सा चीज़ें उस समय जो थी, उसके बाद में फिफ्थ क्लास में चला गया, मैं अभी प्रेजेंट में आ जाता हूँ। तो फिफ्थ के बाद मैं सिक्स्थ में आ गया सेंट जॉन्स कॉलेज में, फिरोज़ाबाद में। तो सेंट जॉन्स वॉज ऑल्सो वेरी गुड स्कूल, मेरे मार्क्स हमेशा कम रहते थे बट आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टू यू नो काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड म्यूजिक एक्टिविटीज़ और को करिकुलर यू कैन से। तो मेरी जो रुझान था, मेरी बहन का भी, वो भी दोनों हम दोनों उस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहते, सभी बच्चों का रहता है लेकिन पढ़ाई में थोड़ा, लेकिन मेरे फिरोज़ाबाद स्पेशली सेंट जॉन्स। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारा डिटेल क्योंकि फिरोज़ाबाद में भी मैंने यू नो गाना गाया था, एक दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, श्री महात्मा गांधी जी का, वो भी मैंने असेंबली में गाया था। तो आई वॉज रिकोगनाइज फॉर दैट, और मैं एक बार ब्रिटिशर बना था, एक जलियांवाला बाग का सीन दोहराया गया था जिसमें ब्रिटिश एक पुलिस जनरल डायर बना था, लेकिन मैंने जनरल डायर की इमेज को ख़त्म करके, क्योंकि जब आप सब क्राउड के सामने जनरल डायर और गोलियां चलवा रहे हो सबके ऊपर और सारे बच्चे मर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे वहाँ पे और जलियांवाला बाग, तो फिर हमने लास्ट में ये गाना गाया था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क, तो वो इमेज ब्रेक कर वरना मैं जनरल डायर बन जाता स्कूल का। तो बातें बहुत हो गई, गाने पे आते हैं। तो
तो गाना जो पहले मैं स्प्रिंगडेल वाला गाना सुनाता हूँ आपको, वंदना थी हमारी, और वो ऐसे थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें, हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने मन से, समथिंग समथिंग दूर कर सके, वो भूल गया मैं। तो अभी मैं इसको फिर से रिवाइव करूंगा, याद करूंगा। और दूसरी वंदना थी हमारी, दूसरी वंदना थी जो, वो क्या थी, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसके बादलों की पालकी उठा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसके बादलों की पालकी उठा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पर किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। सो दिस वॉज यू नो अ गुड गुड पोयम दोज डेज। थैंक यू। एक याद आया गाना, अभी मैं कुछ दिनों पहले मैंने सुना और बड़ा अच्छा लगा मेरे को। ये राज बब्बर साहब के ऊपर फिल्माया गया है, और राज बब्बर साहब हैं और एक और हमारे एक वेटरन हीरो थे जो हैं उसमें, और पुराना गाना है काफ़ी, रफ़ी साहब ने गाया है, और मुझे बड़ा क्लिक किया ये। और एक बंदा गा रहा था इसको पाइप पे, मुझे इतना क्लिक किया, इट इज़ वेरी मच क्लोज टू लाइफ। तो अगर आप सुने, इसके बोल बड़े अच्छे हैं, बोल बड़े गजब के हैं, गजब के बोल। तो मैं ट्राई करता हूँ, लिरिक्स मैंने पीछे खोल रखे हैं ताकि भूल चूक ना हो जाए, टोन मैंने पकड़ लिया है, लिरिक्स मेरे सामने, अब लेट मी सी हाउ हाउ मच आई कैन जस्टिफाई द सॉन्ग। सो इसके बोल हैं, तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, हर एक फूल किसी याद सा महकता है, तेरे ख्याल से जागी हुई फिजाएं हैं, ये सब्ज पेड़ है या प्यार की दुआएं हैं, तू पास हो कि नहीं फिर भी तू मुकाबिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है,
हर एक शय है मोहब्बत के नूर से रोशन, ये रोशनी जो ना हो जिंदगी अधूरी है। राहे वफा में कोई हम सफर जरूरी है, ये रास्ता है कहीं तन्हा कटे तो मुश्किल है। जहां भी जाऊं तेरी मुन तेरी, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। थैंक यू। तो ये गाना आप भगवान को भी डेडिकेट कर सकते हैं, जहां भी जाऊं तेरी महफिल है, तू इस तरह हमारी जिंदगी में शामिल है। भगवान को डेडिकेट कर, अल्लाह रब भगवान गुरुदू सबको, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो सब एक ही हैं, आप समझिए उसको। और हमारी मान्यताएं अलग अलग हैं इसलिए हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, बाकी सब एक ही हैं। गॉड इज लाइट, जीसस यीशु मसीह ने बोला, और हम सब एक ही हैं। तो थैंक यू सो मच। ये गाना आप प्रभु को भी डेडिकेट कर सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट लव। तो मैंने ट्राई किया, एक जगह मेरा टोन बिगड़ा था, बिकॉज आई डोंट रियलाइज मैं एक प्रोफेशनल सिंगर विंगर नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा कभी शौक रहा करता था। तो मेरा आज मन किया कि मैं वीडियो में बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, कीप वॉचिंग, थैंक यू।